गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाई, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट हिंदी फॉर अ स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 17, चकई के चकदों। चकई के चकदों, चकई के चकदों का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने देखा है कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि जब आप चार फ्रेंड्स या बहुत सारे फ्रेंड्स होते हो और ऐसे गोल सर्कल बनाते हो और एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हो, है ना। ये देखिए सब ऐसे दिख, आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, इसको हम बोलते हैं चकई के चकदों। यानी कि चकई का मतलब क्या हुआ? चक्कर, यानी कि चक्कर कैसा होता है? गोल गोल होता है ना। तो चकई के चकदों, इसमें जो है हमारी एक सॉन्ग है, ठीक है, बहुत अच्छी सी है। चलिए हम पढ़ते हैं कि बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं और उन्होंने गोल सर्कल बना रखा है एक दूसरे का हाथ पकड़ के और गोल गोल घूम के क्या गा रहे हैं? चकई के चकदों, चकई के चकदों, गांव की मड़ैया साथ रहे तुम। बच्चे जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं और गाना गा रहे हैं, चकई के चकदों, चकई के चकदों, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। गांव की मड़ैया, मड़ैया मीन्स होता है झोपड़ी, मड़ैया का मीन्स होता है झोपड़ी। गांव की मड़ैया, गांव तो आप सभी जानते हैं, साथ रहे हम तुम। सब बच्चे गोल गोल ऐसे गाना गा रहे हैं कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया, यानी कि गांव के जो घर हैं, जो झोपड़ी हैं, साथ रहे हम तुम, उसमें हम सब साथ रहें। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँव ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। अब वो कह रहे चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया। ग्वाला हम किसको बोलते हैं? जो गाय को पालते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्वाला। जो गाय की सेवा करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, है ना, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्वाला, और जो दूध भी हमको देते हैं, ठीक है। तो ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम, वो बोलते हैं कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया, यानी कि जो ग्वाले की जो गैये हैं, गैया है उनका हम क्या, गैया मतलब यहाँ पे गाय, ठीक है, गैया मतलब गाय, उनका हम दूध पिए, हम सब लोग उनका दूध पिए। क्योंकि आप तो पता है ना, गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो सब बच्चे गा रहे हैं कि गांव की जो झोपड़ी है उसमें हम साथ रहें, जो ग्वालों की गैया हैं उनका हम सब मिलकर दूध पिए। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। कागज़ की नैया, यानी कि जब बारिश होती है ना, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? कागज़ की बोट बनाते हैं। आप सबने भी किया होगा, मैंने भी किया है। पार करें हम तुम, तो वो कह रहे हैं कि कागज़ की नैया, कागज़ की नैया पार करें हम तुम, यानी कि इस पार से उस पार हम जाएं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। फुलवा की बगिया, यानी कि जो फूलों की बगिया, यानी कि गार्डन, बगिया मीन्स होता है बगीचा, ठीक है, और फुलवा यानी कि फूल, फूल चुने हम तुम, यानी कि फुलवा की बगिया, यानी कि जो फूलों के बाग होते हैं, जो फूलों का गार्डन होता है, फूल चुने हम तुम, फूल चुने हम तुम, यानी कि उसमें से खूब जितने भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं उनको हम चुन लें, यानी कि उनको तोड़ लें। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल ख़त्म भैया आओ चले हम तुम। और वो खेल खेल कर उन्होंने ये सब गाना गाया, आपको क्या कह रहे हैं? खेल ख़त्म भैया, यानी कि अब जो हमारा खेल है, यानी कि जो हमारा गेम है, वो ख़त्म हो चुका है। आओ चले हम तुम, अब चलो हम सब जो है घर चलते हैं। तो आपने देखा ये जो चकई के चकदुम, चकई के चकदुम में सब बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं और कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, है ना। आपको ये जो आपकी पोम है इसको आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और आप देख रहे हैं इसे बहुत सारी छोटी छोटी सी पिक्चर्स दिख रही हैं हमें, है ना। सब देखिए कितने अच्छे से सब खेल रहे हैं, ये देखिए। और इसको हम बोलते हैं चकई के चकदुम। देखिए ये सब बच्चे हैं, तीनों सर्कल बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। अब देखिए इसमें जो है हम तुम करके है, और चकई के चकदुम आपको इस पोएम में लाना है, और आप क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम,
फिर आपको इसमें कोई लाइन जो है ऐड करनी है, जैसे इसमें लिखा है अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम, है ना। तो इसमें आप कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं, आप कौन सी लाइन ऐड कर सकते हैं और आपको इसको पोएम बना सकते हो। पढ़ो और उसका चित्र बनाओ, कागज़ की नैया पार करें हम तुम, गांव की मड़ैया साथ रहें हम तुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। अब बनाकर देखो, यानी कि कागज़ की नैया बनाई, यानी कि कागज़ की आप नाव बनाओ, गांव की मड़ैया यानी कि आप झोपड़ी बनाओ। देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए हमारी झोपड़ी है, ठीक है। और ये देखिए फुलवा की बगिया है, ठीक है, यानी कि फूल के जो बाग हैं इनको बोला गया फूलों की बगिया फूल चुने हम तुम। और ये देखिए सब जो है बच्चे इसमें से फूल चुन रहे हैं यानी कि तोड़ रहे हैं, ओके। तो अब हम इसमें थोड़े से हार्ड वर्ड्स करेंगे, कठिन शब्द। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव, गांव यानी कि विलेज, मड़ैया यानी कि झोपड़ी हट, ग्वाले, ग्वाला किसको बोलते हैं, जो हमारे गांव को, जो हमारी गाय होती है उनकी देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं, गैया, गैया यानी कि गाय, गैया यानी कि गाय, कागज़ की नैया, नैया है यानी कि नाव, पार करें हम तुम, पार करने का मतलब होता है कि जैसे बीच में नदी है और हम जो है नाव में बैठकर इस पार से उस पार जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार करें हम तुम, यानी कि हमको इस किसी भी एक जो है साइड से दूसरी साइड पर जाना हो तो उसको हम बोलते हैं पार, यानी कि हमें उधर पार करना है, यानी कि उसके उस तरफ जाना है। खेल ख़त्म भैया आओ चले हम तुम। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप ये आप इसमें चित्र देखिए और आपको देखना है कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ओके ओके। स्टे होम, स्टे सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। आई वुड लाइक टू पैक अप, बाय गाइस।